नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से मीडिया के बारे में। मीडिया को वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अभी रिया चक्रवर्ती के बाद आज तक को बहुत ज़्यादा बाइकआउट किया जा रहा है और सुशांत वाले केस को लेकर अर्णव गोस्वामी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं TRP का खेल और कैसे काम करता है ये सब, और कैसे जो है लोग इसमें इसके चक्कर में फंसते जाते हैं और समझ नहीं पाते कुछ, ठीक है। और आने वाला समय जो है वो मीडिया का होने वाला है, तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी, पहले समझ लीजिए। एक तो है कि देखो, हर पार्टियों के स्पोक पर्सन होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, उनको चैनल पर बिठाया जाता है, डिबेट कराई जाती है और उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, फालतू की बातें हो जाती हैं। लेकिन आपको चलिए बताते हैं कि क्या मतलब कैसे ये सब होता है। एक तो जैसे कि रिया चक्रवर्ती के बाद बात हुई, PR आया कि PR क्वेश्चंस, मतलब PR जो कंपनीज होती हैं इस तरह की, जो बड़े बड़े लोगों को कैसे क्या काम करना है, तरीके, मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, वो मैनेज करती हैं लोगों के बारे में, कैसे रूमर फैलाने हैं, कैसे कुछ भी करने के लिए PR, हर चीज़ के लिए PR कंपनियां जो हैं, अच्छी खासी PR कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, विदेशों में भी बहुत काम करती हैं, वो अच्छे पैसे अर्न भी करती हैं। लेकिन मीडिया में क्या होता है कि आपको बैठा के ऐसी ऐसी बात, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बैठाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन आप जब सही बात बोलने जाओगे, कुछ ऐसी बात जैसे कि कुछ खुलासा हो जाए, कुछ सच पता चल जाए, जनता के बीच कुछ चला जाए, तुरंत काउंटर क्वेश्चन उनका आ जाएगा, चाहे सामने वाला प्रवक्ता आपको ना बोलने दे, या फिर अगर देखेगा कि मीडिया अगला प्रवक्ता कमज़ोर पड़ रहा है तो वो जो है आपका जो एंकर होगा वही बीच में घुसेगा और आपको टोंक देगा, आपको कुछ ना कुछ और कहेगा, इधर मत जाओ, मतलब हम डिबेट का जो मेन वो है मोटो उस पर डिबेट करो, और आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पर से हटा देगा, वो भी नहीं वो करेगा, क्योंकि उस पर चार बार वो डिबेट कराएगा और एक पहले ही डिबेट में अगर आपने निष्कर्ष निकल आया तो फिर ख़त्म हो गई ना, उसका भी तो मौका नहीं मिलेगा ना। एक तो ये होता है, दूसरा TRP का खेल ये होता है कि भाई देखो, TRP सबको ज़रूरी है, वो चैनल चल रहे हैं, अगर TRP नहीं आएगी तो उनका खर्चा नहीं निकलेगा, उनको ऐड नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें होती हैं। अगर TRP बराबर से उनका आता रहेगा तो उससे क्या होगा कि उनका अच्छा चैनल ग्रो करेगा, सबकी सैलरी से लेकर सब चीज़ आएगी, क्योंकि भाई देखो टाइमिंग पे TRP आ रहा है तो आपको एड्स पे ज़्यादा व्यूज़ जाएगा और सारी चीज़ लोग देखेंगे, तो इससे उनको फ़ायदा रहता है। और दूसरी तरह ये भी देखने को मिलेगा कि अगले चैनल से हमारा चैनल ऊपर है तो और लोग उसको लाइक करेंगे और देखेंगे, और सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बीच में पता चला कि अर्णव गोस्वामी का चैनल सारे चैनलों को पीछे छोड़कर Republic TV, रिपब्लिक भारत जो भी है, वो आज तक से आगे निकल गया, ठीक है। तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो लोगों को नहीं, आपको सच सामने आने देना भी नहीं चाहते, वो दूसरे मुद्दे पर आपसे चर्चा कराए जा रहे हैं, दुनिया में कुछ और चल रहा है, वो कुछ और करा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं ये होता है एक तरह से उनको वो करने वाला कि वो जनता के बीच में सही नहीं चीज़ नहीं जाने जा दे रहे हैं, वो उन अपने बिजनेस से मतलब है, अपनी TRP से मतलब है कि हमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से एड्स मिल रहे हैं, कौन कितने बड़े लोग हैं जो एड्स कंपनियां जिनकी हैं, जो ऐड दे सकते हैं, उनके प्रोडक्ट हैं अच्छे अच्छे वो लोग, और तमाम चीज़ें होती हैं कि जो मतलब जनता सच नहीं जानती, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है, प्रवक्ता सामने लड़ते हैं, पर्दे के पीछे बैठ के चाय पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने लगे के बड़े